देखो, तो हमने लास्ट टाइम ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया था s इज इक्वल टू vt और v इज इक्वल टू u प्लस at एंड s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड सिमिलरली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as. आज हम क्या करेंगे, सेम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड. तो पहली इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू vt. s इज इक्वल टू vt को प्रूव करने के लिए, या ये इक्वेशन कब लगती है, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट. तो इमेजिन करो वही सेम डायग्राम कि अगर ये ओरिजिन है, आपकी बॉडी पहले यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी यहाँ पे आ गई. तो ओरिजिन से इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1 एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है x2. तो जब x1 है टाइम की वैल्यू कितनी है जीरो, और जब x2 है तो टाइम की वैल्यू कितनी है t. अब मुझे ये पता है कि जब ये बॉडी आगे मूव कर रही होगी तो उस केस में इसकी वेलोसिटी v जो कवर होगी उसमें ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. अब एकदम तो dx एकदम तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगी. डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर होगी, dx 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 एंड dx इन टाइम dt dt dt. तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो हमने क्या सीखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt. क्लियर है यहां तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. तो x इज इक्वल v इज इक्वल टू dx बाय dt. यहां से काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dt को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू v इंटू dt. तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल टाइम dt. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने dx 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 को क्या करेंगे, मिलाएंगे. मिलाने को क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो एक काम करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे ताकि dx जो है dx की इंटीग्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट दे और dt की इंटीग्रेशन टोटल टाइम दे. और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या था, ये सिंबल है. तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया. अब इंटीग्रेशन में क्या पुट करनी पड़ेगी, लिमिट्स. लिमिट्स पुट करने का तरीका देखो, लिमिट्स में एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट. लोअर लिमिट हमें यह बताती है इनिशियल कंडीशन क्या है, अपर लिमिट क्या बताती है, फाइनल कंडीशन क्या है. तो क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट भी किसकी लगेगी, टाइम की. और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की. जैसे जब ये बॉडी यहां पर थी तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, जीरो. और जब ये बॉडी यहां पर आ गई तो टाइम कितना हो गया, टी. तो बोलो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, जीरो से टी. यानी कि बॉडी कहां से स्टार्ट होती है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से कहां पर रुकती है एट टाइम टी. सिमिलरली यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स. तो एक्स का मतलब लिमिट किसकी पुट करेंगे, एक्स की. तो बोलो जब ये बॉडी यहां पर है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स वन. और यहां पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स टू. तो बोलो लिमिट क्या लगेगी, एक्स वन और एक्स टू. तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज एक्स वन, एट टाइम टी सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्स टू. तो क्लियर है यहां तक. तो इंटीग्रेशन हमने सीखी, इंटीग्रेशन में क्योंकि इस क्वेश्चन में वी इज अ कॉन्स्टेंट तो v बाहर आ गया. तो 1dx की इंटीग्रेशन क्या है, x. 1dt की इंटीग्रेशन क्या है, t. कहां से कहां तक, 0 से t, x1 से x2. एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट. तो क्या होगा इसमें, x की जगह x2 पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 और टाइम में t माइनस 0. तो x2 माइनस x1 क्या होगी इसमें, डिस्प्लेसमेंट. तो x2 माइनस x1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, s और v इंटू t. तो क्या प्रूव हो गया, s इज इक्वल टू vt. तो इसको करने के लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रेशन. बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन और लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सिमिलरली जो सेकेंड टॉपिक है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस at. तो v इज इक्वल टू यू प्लस at को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें इनिशियली बॉडी कहां पर है, यहां पे. जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u.
तब एट टाइम टी क्या है, जीरो। कुछ टाइम टी के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। तो इसमें टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम क्या हो गया, टी, और वेलोसिटी यू से क्या हो गई, वी। वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब इस बॉडी ने क्या किया, एक्सेलरेट, राइट, एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा हमने, डी वी बाई डी टी, पहला स्टेप क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी वी इज इक्वल टू ए इंटू टी टी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कवर्ड इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल चेंज, और टोटल चेंज कहां से कहां हो रहा है, यू से वी हो रहा है। मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो हम स्मॉल चेंज से बिग चेंज या टोटल चेंज कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या किया, ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, इन दोनों साइड्स को क्या किया, इंटीग्रेट, और क्या पुट की, लिमिट। लिमिट कैसे, टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, इनिशियली टाइम क्या है, जीरो, फाइनल टाइम क्या है, टी। तो लिमिट क्या पुट करेंगे, जीरो से टी। फिर ऐसे ही यहां पर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या लगेगी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो लिमिट क्या लगेगी, u से v। तो आपको कंडीशंस क्या बता रही हैं या लिमिट्स क्या बता रही हैं, आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस। तो आप चेक करो, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन, 1dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v, 1dx की x होती है 1dv की v, 1dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, कहां से कहां, जीरो से टी, यू से वी। एक बार वी की जगह वी अपर लिमिट, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, वी माइनस यू, और एक बार टाइम की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, टी माइनस जीरो, राइट। तो यहां से क्या आ गया, ए टी, और यू इधर चला गया, तो क्या प्रूव हो गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेन चीज क्या है, मेन चीज इसमें है कि आपको ये स्टार्ट कहां से करना है, इसके बाद तो आप वो इंटीग्रेशन ही आने चाहिए, इंटीग्रेशन सब कुछ आ जाएगा, पर मेन जो पॉइंट है, स्टार्टिंग क्या होगा। एक बार स्टार्टिंग इक्वेशन समझ में आ जाती है, फिर अपने आप हो जाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, जैसे मुझे प्रूव करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसमें s निकालना है। तो मान लेते हैं कि बॉडी यहां से चली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और बॉडी यहां पर आई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी, और यहां पर टाइम क्या है, जीरो, यहां पर टाइम क्या है, टी, और मान लो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। तो हम स्टार्ट कहां से करें, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब ये बॉडी यू से वी जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है यू से वी। चेंज होते हुए लेट अस सपोज उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, डीएक्स बाय डीटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v क्या होगा, dx बाय dt। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू v इनटू dt। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गई dx कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt। पर मेरे को क्या करना है, मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी निकालनी है, s। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से टोटल डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को मेरा आंसर v की फॉर्म में नहीं चाहिए, v तो किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी है, मेरे को मेरा आंसर किस फॉर्म में चाहिए, u की फॉर्म में चाहिए। कोई बात नहीं, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, कहीं पर भी किसी भी इंस्टेंट पर t टाइम पे वेलोसिटी अगर v हो जाती है, तो यू कैन अप्लाई इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को u में कन्वर्ट करना तो आता ही है, v को u में कैसे कन्वर्ट किया, बाई अप्लाइंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों साइड्स को अब क्या करना है, इंटीग्रेट। दोनों साइड की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, बोलो, जीरो से टी, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट भी मीटर्स में लगेगी, डिस्टेंस की लगेगी। तो आप ये बताओ कि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, मान लो ये ओरिजन है, मान लो ये ओरिजन है 0,0, तो एक्स जीरो, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एस, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो जाएगी, s। तो मैंने लिमिट क्या लगा दी, जीरो से s।
तो जब मैंने लिमिट 0 से s लगाई तो 1 dx, और इसको इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म at dt। ब्रेक करना सिखाया था, इंटीग्रेशन ब्रेक कर लिया विद लिमिट्स। u कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ गया, t नहीं आ सकता क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है x, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या है t, और t की इंटीग्रेशन क्या होती है t² / 2। हमने फॉर्मूलाज किए थे इंटीग्रेशन के, तो t की पावर 1 है तो t² / 2। लिमिट्स पुट करें, x की जगह एक बार s, एक बार 0, टाइम की जगह एक बार t, एक बार 0, टाइम की जगह एक बार t, एक बार 0, तो यहां पर क्या आ गया s ut हाफ at स्क्वायर। तो प्रूव हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कभी कभी यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है लिमिट्स की। अब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि लिमिट हमने यहां पर s क्यों पुट की, लिमिट हमें पुट करनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ x। कैसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आता, एक और आसान तरीका है मेरे पास। क्या आप ऐसा करें, आप ये मान लें हमेशा की तरह कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और मान लें इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 है। मान लें आपकी बॉडी x1 से कहां पर चली गई, x2 पे चली गई, तो कोई बात नहीं। फिर आप लिमिट क्या लगाएंगे यहां पे, बोलें x1 से लेके x2 तक, तो जो लिमिट है वो क्या लगेगी इसमें, x1 से लेके x2 तक। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो लिमिट x1 से x2, तो जब आप 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x, इससे इसको, तो यहां पे क्या पुट करेंगे x1 से x2। जब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा x2 - x1, और x2 - x1 को क्या लिख सकते हैं एंड में s। तो या तो आप सीधा लगा दें 0 से s, या आप x1 लें x2 लें और फिर x1 x2 लेके अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। वैसे 0 से s लेंगे तो एक ही बारी में क्विक आंसर आ जाएगा, s में आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक। देखो यहां पर एक कॉमन आ गया, t की इंटीग्रेशन क्या होती है t² / 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, t 2 की जगह t नहीं पुट कर सकते ना, 2 इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल में पुट करना होता है, तो t की जगह ऐसे 2 को अंदर रहने दो, t² / 2 - 0² / 2, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है यहां तक हो जाएगा प्रूफ। तो आपके जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन है उसमें इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कई बार एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूव करने के बजाय ऐसा आ जाता है, ये प्रूव करो x इज इक्वल टू x0 प्लस u t - t0 प्लस हाफ इंटू ए t² - t0 का स्क्वायर, ये प्रूव करने को आ जाता है, राइट। अब यहां पर लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या इक्वेशन आ गई, सेम इक्वेशन है जो अभी हमने किया। ध्यान से अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये क्या है x, ये क्या है x0, तो आपकी लिमिट जो पुट होएगी यानी कि जो आपकी जो बॉडी चली वो x0 से x तक चली। जैसे यहां पर 2 टाइम यूज हो रहे हैं t0 एंड t, तो आपकी बॉडी कहां से चली, t0 से चली और t तक पहुंची। तो जो बॉडी ने टाइम लिया, स्टार्टिंग टाइम t0 है और एंडिंग टाइम t होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि 2 डिस्टेंस और 2 टाइम्स में क्या इसमें कैसे यूज करना है। तो आपने ये डायग्राम बना लिया इन वैल्यूज को देखते हुए। वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कि इनिशियल टाइम t0 है, 0 नहीं है, नॉर्मली इनिशियल टाइम 0 होते हैं, पर यहां पर इनिशियल टाइम क्या है t0 है। कैसे पता लगा, क्योंकि 2-2 टाइम यूज हो रहे हैं t0 एंड t, तो t0 इनिशियल होगा, t फाइनल होगा, x0 इनिशियल होगा, x फाइनल होगा, क्लियर है यहां तक। तो अब इस केस में, ठीक, इस केस में किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आप एक चीज देखें, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, v इज इक्वल टू dx/dt से सेम चीज यहीं पे स्टार्ट करें, v इज इक्वल टू dx/dt क्रॉस मल्टीप्लाई v की जगह u प्लस at, बिल्कुल सेम जो अभी हमने पिछला एक्सप्रेशन किया था, और लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करेंगे,
लिमिट इस बार जीरो से टी नहीं पुट होगी, इस बार क्या पुट करेंगे, टी नॉट से टी पुट करेंगे। तो टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, टी नॉट से टी। यहां पर भी टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, टी नॉट से टी। और डिस्टेंस की लिमिट क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट से एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, एक्स नॉट से एक्स। अब यहां पर 1dx की इंटीग्रेशन क्या है, x, कहां से, x नॉट से x। तो एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, x माइनस x नॉट। यहां पर टाइम की जगह अपर लिमिट t, लोअर t नॉट, तो क्या आएगा, t माइनस t नॉट। ऐसी t स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर। तो इसे जब आप x नॉट को राइट पे लेके जाएंगे तो वही प्रूफ कर हो जाएगा जो हमने प्रूफ करना था एक्सप्रेशन। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे वो मॉडिफिकेशन कर सकता, और यही मॉडिफिकेशन नहीं, वो ऐसा भी कर सकता है, प्रूफ करो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस u इनटू t2 माइनस t1। तो बोलो फिर क्या करेंगे, लिमिट क्या पुट करेंगे, t1 से t2, x1 से x2, बाकी एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, आपको आइडिया समझ में आ रहा है, वो कोई भी मॉडिफिकेशन करेगा आपको कैसे चेंज करना है, अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट विल रिमेन सेम, ये नहीं चेंज होगा। इसके बाद जो ये एक्सप्रेशन है, टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अब इसके अंदर इमेजिन करो कि बॉडी यू पे है, थोड़ी देर में बॉडी कहां पर आ जाती है, वी पे। अब वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, आप कहेंगे कि जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी वी इज इक्वल टू ए इन टू डी टी, इसे इंटीग्रेट करो, आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है, टाइम, और मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे टाइम नहीं चाहिए, जो मुझे प्रूव करना है उसमें तो टाइम चाहिए ही नहीं, राइट और यहां पर क्या आ रहा है, टाइम। मुझे इंस्टेड ऑफ टाइम क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो मैं इसे एज इट इज इंटीग्रेट नहीं कर सकता। लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं क्यों नहीं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पर टाइम आ जाएगा और मेरे को प्रूव में टाइम चाहिए ही नहीं, रादर मुझे एस चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि डी टी की जगह यहां पर क्या लगाओ, डी एक्स लगाओ, ताकि एटलीस्ट इंटीग्रेट करके एस तो आए। तो एक ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाय डी टी, यहां तक क्लियर है। मुझे डी टी को अगर डी एक्स बनाना है, आप ट्रिक देखना क्या ट्रिक है, और काफी बार यूज होगी ये पूरे अभी एक महीने के अंदर, क्या राइट साइड को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और dx से डिवाइड कर दे, क्योंकि dx बाय dx क्या होता है, वन, कोई फर्क नहीं। आप इसका पेयर एक बना लें और आप इसका पेयर एक बना लें, पेयर बनाने का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इस dv के नीचे क्या लिखें, dx, और dx के नीचे क्या लिखें, dt। ठीक, पेयर बन गए, इससे एक फायदा होगा, dx बाय dt की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी v। Obviously, dx by dt क्या होता है, velocity v। तो आपके पास क्या आएगा, a is equal to dv by dx into velocity v। At least आपका dt हट गया और क्या आ गया, dx आ गया। देखो कैसे, ये मैंने लिखी acceleration dv by dt, right side में मैंने dx से multiply और dx से क्या कर दिया, divide। इस dx और dt को एक जगह रख लिया, dv by dx को एक जगह रख लिया, dx by dt को क्या कर लिया, v। तो ये क्या आ गया, v, v dv को एक तरफ रखा और a dx को मल्टीप्लाई करके एक तरफ रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, v dv एक तरफ, a dx एक तरफ। तो मेरे पास क्या आ गया, जब किसी बॉडी ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर की dx, तो उसकी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, dv। पर मेरे को तो टोटल चेंज निकालना है, तो दोनों साइड की क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की लिमिट, x की लिमिट देखो, डिस्टेंस यहां पर 0 से कितना हो गया, s, तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से s, और वेलोसिटी कहां से कहां होगी, u से v। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल क्या है, v, तो लिमिट क्या लगेगी, u से v।
क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, फाइनल क्या है वी, तो ये स्टेप आ गया। वी डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ, यू से लेके वी तक, राइट। और यहाँ पर ए वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स कहाँ से कहाँ, जीरो से एस। तो इसके अंदर एक बार वी की जगह अपर लिमिट तो वी स्क्वायर बाई टू, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट तो यू स्क्वायर बाई टू, और एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट एस, एक बार लोअर लिमिट जीरो, तो क्या आएगा एस माइनस जीरो। तो अब ये जो टू कॉमन निकाल के यहां मल्टीप्लाई टू एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आ गया, टू एस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर फिर देखो एक्सेलेरेशन डी वी बाई डी टी, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड, ये एक पेयर अलग, डी एक्स बाई डी टी इज वी, वी डी वी एक तरफ, ए डी एक्स एक तरफ, इंटीग्रेशन जीरो से एस, यू से वी। तो इसकी इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू वन डी एक्स की एक्स, जीरो से एस, यू से वी, लिमिट पुट किया वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और एक्स की जगह एस माइनस जीरो, सॉल्व करके क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब ये प्रॉब्लम जरूर है, काफी लोग ये सोचते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड करना है ना। मान लो चलो आज पता लग गया, कल को एक नया क्वेश्चन आ गया, नए क्वेश्चन के अंदर भी ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी, और मेरे को तो समझ में नहीं आएगा ना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके खुद कैसे पता लगेगा। प्रैक्टिस, आज आपको पता लग गया या प्रूव कर लेंगे, जब अगली बार फिर से नई सिचुएशन आएगी आपको नहीं पता लगेगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखा हमने इस क्वेश्चन में किया था, फिर आप कहोगे हाँ किया था, फिर आप उस दिन समझ जाओगे। तीसरी बार फिर आएगा, फिर मैं कहूँगा देखा हमने किया था, तो आप में से 20% लोगों को याद रहेगा हाँ किया था, उनको समझ में आएगा, 80% को नहीं समझ में आएगा। चौथी बार करूँगा 50% लोगों को याद रहेगा कि तीन बार किया था, 50 को फिर भूल जाएगा। 5-6 बार करने के बाद 90% लोगों को याद आ जाएगा, 10% को कभी याद नहीं आएगा, ठीक। उसको हर बार याद दिलाना पड़ेगा देख हमने किया था, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते, जब वो रिवाइज करेंगे तो उनको याद आएगा, जब वो रिवाइज नहीं करेंगे उनको कभी याद नहीं आएगा, ठीक। तो पॉइंट समझ में आया, आने की प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन की है, देखो इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये आएगा या इनमें से एक आएगा, एक तो आना ही है, पक्का आएगा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें कैलकुलस नहीं है, ये ऐसे ही होगा। क्या टॉपिक है,